विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वो अपना सब काम खुद कर लेती है, किंतु फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उसके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, और अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और उसके बच्चे विरोध करने लगते हैं, दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसके ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धूमधारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी यह बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने भी कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विमल को तो जैसे रोना आ रहा था, किंतु फिर भी वो चुप था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गाँव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गाँव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं, लेकिन वह अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलजुल कर उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता से पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सभी लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे, देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया, अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म नहीं आ रही होगी, डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं, मैं तो खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है, समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना। रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम न हो, बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी,
और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी, तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने एक आँख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगे, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो खून नहीं था, डॉक्टर रमेश जी उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा, आप सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर छूते अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। तो दोस्तों ऐसी होती है माँ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर।